नीतीश कुमार की ताजपोशी, 8वीं बार सीएम पद के लिए शपथ। तेजस्वी यादव ने भी ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। तेजस्वी ने पैर छू कर लिया नीतीश का आशीर्वाद। तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में बुधवार को शपथ लिया। पटना स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण किया। उन्हें राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह दूसरा मौका है जब तेजस्वी यादव ने
बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद तेजस्वी यादव ने राज्यपाल का अभिवादन किया। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ बढ़े। खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर को छूकर आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन करते हुए अपने साथ बैठने का इशारा किया। इसके बाद दोनों नेता बैठ गए। इस खास मौके पर तेजस्वी यादव के परिवार के लोग भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव की मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के अलावा उनकी पत्नी राजश्री और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। ये सभी पहली पंक्ति में तेजस्वी यादव के साथ बैठे भी दिखे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद तेजस्वी यादव के परिवार वालों ने मीडिया से बात की। जवाब में उन्होंने खुशी जाहिर की। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है, सब बहुत खुश हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। आज एक नई शुरुआत हुई है, आज एक नई शुरुआत हुई है। बिहार की भागशाली है, अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज्य के लिए। बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। हाँ, सरकार में आए हैं काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार में गठबंधन बनाकर फिर से नई सियासी पारी का आगाज किया है। गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया है। बिहार की नई जेडीयू राजद सरकार में तेज प्रताप यादव को भी शामिल करने के कयास लग रहे थे, लेकिन उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। फिलहाल नई सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए हैं और उनके शपथ ग्रहण करने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी को नीतीश का चैलेंज, शपथ लेते ही गरजे सुशासन बाबू। 2024 को लेकर किया बड़ा हमला कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बीजेपी से नाता तोड़ते ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। 2014 और 2024 का जिक्र करके नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर करारा तंज कसा। एक बार फिर सुनाते हैं नीतीश कुमार का वो बयान जिसे उन्होंने शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद दिया और निशाने पर रहे पीएम मोदी। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बुधवार को शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर भी अपनी बातें रखी। इसके साथ ही आरसीपी सिंह पर भी तीखा तंज कसा। समझ लीजिए उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। खास बात यह रही कि नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करके पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। इसके अलावा नीतीश कुमार ने 2024 में विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात कही। सबसे बड़ी बात यह रही कि नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को बहुमत तो मिला था, लेकिन वो सीएम नहीं बनना चाहते थे। इसके बावजूद उन पर दबाव देकर सीएम बना दिया गया। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बीजेपी के साथ रहने के कारण 2020 में जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। बताते चलें कि नीतीश कुमार ने बुधवार को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
उनके साथ तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। दूसरी तरफ एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन में शामिल होते ही नीतीश के तेवर कड़े हो गए हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद अपने अंदाज और तेवर को बदला। इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से लेकर नरेंद्र मोदी तक पर हमले किए। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 2024 का जिक्र किया और इशारों में बहुत कुछ कह दिया। नीतीश कुमार की नाराजगी का खुला राज, इस वजह से एनडीए का छोड़ा साथ, बीजेपी का सुशासन बाबू पर पलटवार, तो क्या उपराष्ट्रपति न बनने का लिया बदला। बिहार में नीतीश कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तेजस्वी यादव को भी डिप्टी सीएम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इन सब के बीच बिहार में बीजेपी को छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा हमला किया। उन्होंने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने के आरोप लगाए, तो बीजेपी ने भी नीतीश कुमार पर पलटवार कर दिया। बीजेपी ने तो दावा कर दिया कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनाए जाने से नाराज थे। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते। तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और मित्रों, नई सरकार बन गई है। दरअसल बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के फैसले पर बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार को अवसरवादी करार दिया। सुशील मोदी की माने तो जेडीयू के कई नेता बीजेपी के पास आए थे। उन्होंने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। इसके चलते नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया। एक बार फिर सुनिए सुशील कुमार मोदी का नीतीश कुमार से जुड़ा बड़ा दावा। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते। तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और मित्रों, नई सरकार बन गई है। मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नए दोस्त तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले में बाहर हैं। उन पर कभी भी एक्शन लिया जा सकता है, कभी भी CBI उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। नीतीश कुमार की कोशिश है कि RJD के साथ सरकार बनाकर पार्टी को तोड़ दिया जाए। वो बेल पर है, कल कोर्ट अगर चाहे तो उनकी बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले के मामले में ये चार शीटेड हैं, ये बेल पर हैं, उनका ट्रायल शुरू हो गया है और इतने पुख्ता सबूत हैं कि उस ट्रायल का परिणाम उनके जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। तो आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहा हूँ? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। बताते चलें कि बिहार में बुधवार को JDU, RJD, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की गठबंधन की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। नीतीश कुमार ने CM और तेजस्वी यादव ने डिप्टी CM के रूप में शपथ ली। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार नारेबाजी की और नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस पर मोदी का बड़ा हमला, काले कपड़ों में प्रोटेस्ट पर कसा तंज, काला जादू का जिक्र कर किया वार, कांग्रेस ने भी तुरंत किया पलटवार। साथियों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ
देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पानीपत में 909 करोड़ रुपए से 35 एकड़ में बने सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 5 अगस्त के कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को काला जादू से जोड़ दिया, जिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जोरदार पलटवार किया। जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा, ये काला धन लाने के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमला जी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी पर आपका स्वागत है, मैं हूं नितेश उपाध्याय। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार की नीतियों पर जमकर बरसते आए हैं। एक बार फिर उन्होंने हर घर तिरंगा को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर बीजेपी पर बरसे वरुण गांधी, हर घर तिरंगा अभियान पर उठाए सवाल, तिरंगा को लेकर कह दी बड़ी बात। बीजेपी की नीतियों का खुलकर विरोध करने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को कटघरे में खड़ा किया है। वरुण गांधी ने ट्विटर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। दरअसल वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है। वीडियो में कुछ लोग राशन की दुकानों पर जबरदस्ती तिरंगा खरीदने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में राशन डीलर भी दावा कर रहा है कि उसे ऊपर से आदेश है कि इतने तिरंगे झंडे उसे हर हाल में खपाने हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशन कार्ड धारकों को या तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है। हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक है।
हालांकि वरुण गांधी के ट्वीट के बाद हरियाणा सरकार तुरंत एक्शन में आई और पीडीएस वेंडर को तत्काल सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2009 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जानकारी हो कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पहले भी कई बार अपनी ही सरकार पर निशाना साध चुके हैं। इससे पहले भी गरीबों को राशन दिए जाने को लेकर वरुण गांधी ने 6 अगस्त को एक ट्वीट किया था। उसमें लिखा, जो सदन गरीबों को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ हुआ है। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है? गौरतलब है कि हर घर तिरंगा अभियान के जरिए भारत सरकार चाहती है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए। इसके लिए सरकार ने करीब 25 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। आम जनता से सरकार ने अपील की है कि 13 से 15 अगस्त के बीच देश के हर एक घर पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें सरकारी व प्राइवेट प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा तिरंगे को ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकेगा। इसके लिए कई एनजीओ भी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस पर हर एक नागरिक को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होना चाहिए। इस अभियान में भाग लेने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। पैगंबर पर बयान देने वाली नुपुर शर्मा, दिल्ली में होगी मामलों की सुनवाई। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो आ रही है। नुपुर शर्मा को लेकर पैगंबर मोहम्मद पर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद कई अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कांत बेंच ने नुपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए सभी केसों की सुनवाई दिल्ली में करने का आदेश दे दिया है, जिसका मतलब यह है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में जितने भी उनके खिलाफ दर्ज केस थे, अब दिल्ली में उनकी सुनवाई होगी। जब नुपुर ने पैगंबर पर बयान दिया था तो सबसे पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर राजस्थान में अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। जाहिर है कि नुपुर शर्मा की याचिका पर पिछले महीने सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निलंबित नेता को बड़ी राहत दी थी, जिसमें उनकी 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कोर्ट ने केंद्र और उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया है जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इस नोटिस में अदालत ने राज्यों और केंद्र सरकार से पूछा था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों ना ट्रांसफर कर दिया जाए। तो वहीं नुपुर शर्मा की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी, उसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर 9 मामले दर्ज किए गए हैं और उन सभी को एक ही जगह ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि देश के अलग अलग राज्यों में उन्हें यात्रा ना करनी पड़े। इस मामले में नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह की ओर से कहा गया कि उनकी मुवक्किल की जान को खतरा है और तमाम जगहों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये धमकियां बयान के बाद से लगातार मिल रही हैं। इस पर अदालत ने कहा था कि हम आपके कानूनी विकल्पों को बरकरार रखना चाहते हैं। दरअसल एक टीवी चैनल की डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना की गई थी, जिसको देखते हुए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया था और नुपुर शर्मा ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी थी। इस बयान को लेकर कई जगह प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद देश का माहौल काफी बदल गया था। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इस मामले में अगली बड़ी खबर कौन सी आती है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को पड़ा दिल का दौरा, दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती, वर्कआउट के दौरान बिगड़ी तबीयत। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव से जुड़ी बड़ी खबर बुधवार को सामने आई। राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद राजू श्रीवास्तव को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है।
आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी पुष्टि राजू श्रीवास्तव के परिवार ने भी की। बताया जाता है कि राजू श्रीवास्तव जिम में वर्कआउट कर रहे थे, वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, वो नीचे गिर गए। आनन फानन में राजू श्रीवास्तव को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। दरअसल राजू श्रीवास्तव दिल्ली में थे, वो निजी काम से दिल्ली पहुंचे थे, वो जिस होटल में ठहरे थे वहां पर एक्सरसाइज कर रहे थे, इसी दौरान ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए उन्हें सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद राजू श्रीवास्तव नीचे गिर गए। राजू श्रीवास्तव को CPR दिया गया, उन्हें तुरंत दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की पल्स लौट आई है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की एक टीम राजू श्रीवास्तव की सेहत पर नजर बनाए हुए है। बताते चलें कि राजू श्रीवास्तव BJP से भी जुड़े हैं, वह उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी हैं। नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित करने में राजू श्रीवास्तव UP सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव की बात करें तो वो कॉमेडी के किंग माने जाते हैं। फिल्म सीरियल के अलावा राजू श्रीवास्तव कॉमेडी शोज भी करते हैं, इसके अलावा वो लाइव प्रोग्राम भी करते हैं। राजू श्रीवास्तव ने तेजाब फिल्म से बॉलीवुड में करियर शुरू किया था। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव ने कई और फिल्मों में भी काम किया। राजू श्रीवास्तव को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से बड़ी सफलता मिली थी। उन्होंने शक्तिमान, बिग बॉस जैसी सीरियल में भी काम किया। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जैसे शोज में भी आ चुके हैं। राजू के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक गजोधर था। राजू श्रीवास्तव को अमिताभ बच्चन की मिमिक्री के लिए भी जाना जाता है। बताते चलें कि UP के पूर्व CM अखिलेश यादव ने राजू श्रीवास्तव को 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर भेजा था, हालांकि उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया। बाद में राजू श्रीवास्तव BJP में शामिल हो गए। इन सब के बीच राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब होने से फैन चिंतित हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। महेश खन्ना के बयान पर मचा बवाल, शक्तिमान ने क्यों दिया ऐसा बयान, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही ट्रॉल। टीवी की दुनिया के शक्तिमान सीरियल से फेमस हुए मुकेश खन्ना अक्सर अपनी बयानबाजी की वजह से चर्चा में रहते हैं। अक्सर वो ऐसा बयान देते रहते हैं जिनसे वो घिरते नजर आते हैं। अब ताजा मामले में उन्होंने लड़कियों को लेकर बयान दिया है, जिस पर खूब बवाल मच रहा है। मुकेश खन्ना ने एक वीडियो बनाते हुए ये कह दिया है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती है तो वो धंधा कर रही है। अब इस बयान पर चारों ओर चर्चा हो रही है। ये वीडियो मुकेश खन्ना का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को कहे कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूं तो वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है, क्योंकि इस तरह की निर्लज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी। अगर वो करती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है, वो उसका धंधा है, आप उसमें भागीदार मत बनिए। बस मुकेश खन्ना के ये बयान देने की देर थी और सोशल मीडिया पर जमकर लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। सोशल मीडिया ऐसे तमाम कमेंट से भरा हुआ है जिसमें मुकेश खन्ना को लोग खूब सुना रहे हैं। इस वीडियो के पोस्ट में कमेंट करके लोग कह रहे हैं कि और लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा। एक अन्य यूजर ने कहा कि ठीक है, अब एक वीडियो बनाओ सभ्य समाज का लड़का। फिर किसी अन्य यूजर ने लिखा, सॉरी शक्तिमान, इस बार आप गलत हो। जाहिर है कि मुकेश खन्ना यूट्यूब पर भीष्म इंटरनेशनल नाम से अपना चैनल चलाते हैं, जिसमें वो वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। उनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए मुकेश खन्ना ने बताया कि उन्हें कैसी लड़कियों से बचकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर रैकेट चल रहा है, जहां लड़कियों की प्रोफाइल से मैसेज आता है, फिर वो आपको लुभा कर ब्लैकमेल करती है। इस मामले को लेकर उन्होंने वीडियो बनाया, जिसके बाद लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जमकर मुकेश खन्ना को इस बयान के चलते ट्रॉल कर रहे हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है,
बल्कि मुकेश खन्ना पहले भी ऐसे विवादों में रह चुके हैं। मामला है साल 2020 का, जब मुकेश खन्ना ने ऐसे ही बयान दिया था। तब मी टू मूवमेंट के दौरान उन्होंने कहा था कि महिलाओं को यौन शोषण या किसी भी तरह का शोषण तब झेलना पड़ता है जब वह काम के लिए बाहर जाती है। तब भी उन्हें इसका विरोध झेलना पड़ा था और जमकर उनको खूब ट्रॉल भी किया था। बहरहाल अब देखते हैं कि आखिर उनका ये बयान कितना लंबा खिंचता है और इस बयान पर लोग क्या क्या कहते हैं। गिरफ्तारी के बाद बदल गए श्रीकांत के सुर, महिला को लेकर कही अब ये बात, धरी रह गई श्रीकांत त्यागी की हेकड़ी। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में जिस इंसान को देख रहे हैं ये वही तथाकथित नेताजी हैं जिन्होंने अपने रुतबे के दम पर महिला से बदसलूकी कर डाली। इन तथाकथित नेताजी पर सत्ता और पैसे का ऐसा खुमार सवार हुआ कि ये महाशय महिला से बात करने का सलीका ही भूल गए। लेकिन जब पुलिस प्रशासन का डंडा चला तो नेताजी की भाषा ही बदल गई। नेताजी अब पीड़ित महिला को अपनी बहन जैसी बता रहे हैं। जी हाँ, जिस महिला को अब तक ये महाशय भद्दी भद्दी गालियां निकाल रहे थे अब वही महिला इनकी बहन जैसी हो गई। दरअसल श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने आखिरकार मंगलवार को गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी श्रीकांत त्यागी मेरठ में छुपा हुआ था। वहीं महिला से मारपीट और गाली गलौज के मामले में सूरजपुर कोर्ट ने त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ले जाते समय मीडिया कर्मियों से बात करते हुए त्यागी ने कहा, जिस महिला के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था वो उसकी बहन की तरह है। साथ ही दावा किया कि ये घटना राजनीतिक थी और ये उसे राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए किया गया है। गौरतलब है कि श्रीकांत त्यागी के साथ मौजूद 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद श्रीकांत त्यागी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार कुशवाहा की कोर्ट में पेश किया गया। यहां वो अपनी गलती पर अफसोस जता रहा था। श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में कहा कि वो अग्रेसिव हो गया था, उसे इस बात का अफसोस है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक कुमार सिंह के मुताबिक एक सूचना के आधार पर नोएडा पुलिस ने त्यागी को मेरठ से मंगलवार तड़के गिरफ्तार किया। उसके साथ मौजूद 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि श्रीकांत त्यागी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसे फरार रहने के दौरान किस किस ने शरण दी इस बात की भी जानकारी हासिल की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ अहम जानकारी मिली है जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें खुद को नेता बताने वाला आरोपी श्रीकांत महिला से बदसलूकी कर रहा था। जिसके बाद पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया तो पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए, लेकिन श्रीकांत पुलिस को चकमा देता रहा। श्रीकांत त्यागी शनिवार से फरार था और यूपी पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें बनाई गई थी। आरोपी यूपी से बाहर भी गया था। तलाश के लिए तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। आरोपी पुलिस से बड़ी चालाकी से बचता रहा। बहरहाल आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सावधान, कोरोना ने फिर बढ़ा ही टेंशन। दिल्ली में ओमिक्रॉन का मिला नया सब वेरिएंट, पहले से ज्यादा तेजी से फैलता है संक्रमण। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यहां ओमिक्रॉन के एक और वर्जन ने दस्तक दे दी है। कहा जा रहा है कि सब वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैलता है, लिहाजा दिल्ली में इस सब वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। इस सब वेरिएंट की पहचान BA.2.75 के तौर पर हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजे गए 90 सैंपलों की जांच के दौरान इस वेरिएंट की पहचान हुई है। इस बात की जानकारी LNJP अस्पताल के डॉक्टर विशेषज्ञों ने दी है। एक शीर्ष मेडिकल अधिकारी के अनुसार दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजे गए सैंपल से कोरोना वायरस के इस नए सब वेरिएंट का पता चला। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर के अनुसार सैंपल्स में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.75 का पता चला है। दिल्ली में COVID-19 के मामलों और पॉजिटिविटी रेट में इजाफे के बीच कोरोना का ये सब वेरिएंट मिला है। मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट तेजी से फैलता है और इसके पिछले संक्रमण और वैक्सीनेशन से बचने की आशंका अधिक है।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.75 पाया गया है। इसके ट्रांसमिशन की दर अधिक है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 90 सैंपल्स की स्टडी रिपोर्ट में ये निष्कर्ष सामने आया है। ये सब वेरिएंट उन लोगों पर भी अटैक करता है जिनके पास पहले से ही एंटीबॉडी है और जो वैक्सीन ले चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नए मामलों में संक्रमण की गंभीरता कम है, लेकिन बुजुर्गों और कोमोर्बिडिटीज के लिए जोखिम है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 2,445 के नए मामले सामने आए हैं। ये संख्या 6 फरवरी के बाद सर्वाधिक है। कोविड पॉजिटिविटी रेट आज बढ़कर 15.41% पहुंच गया है, जबकि 7 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। गौरतलब है कि दिल्ली में एक बार फिर से तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। एक दिन पहले के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़त देखने को मिली है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 2,495 नए संक्रमित सामने आए थे। वहीं 7 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 15.41% पर पहुंच गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कुल एक्टिव मामलों की संख्या मंगलवार तक 8,506 हो गई। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बीच अब एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। हैरानी की बात तो ये है कि इस नए वायरस की एंट्री भी चीन में ही हुई है, जहां सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। चीन में मिले इस नए वायरस का नाम जेनेटिक लैंग्या है। यहां अब तक इस वायरस से संक्रमित 35 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस नए वायरस के मामले चीन के शेडोंग और हेनान प्रांत में मिले हैं। जांच में ये भी पता चला है कि 35 मरीजों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं हुआ है। इसके साथ ही ना ही इन मरीजों के परिवारों और करीबियों में कोई संक्रमित मिला। आइए आपको बताते हैं कि चीन से निकला ये नया वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। द ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हनीपा वायरस को लैंग्या हनीपा वायरस भी कहा जाता है। ये जानवरों और मनुष्यों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। लैंग्या हनीपा वायरस जानवरों से फैलता है। ये वायरस इंसानों को भी संक्रमित कर रहा है। फिलहाल इस वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई टीका या दवा नहीं बन पाई है। एक शोध में बताया गया है कि ये नया हनीपा वायरस पूर्वी चीन में बुखार के लक्षण दिखाने वाले मरीजों के गले के स्वैब के नमूनों में पाया गया था। इन मरीजों का हाल ही के दिनों में जानवरों के संपर्क का इतिहास रहा है। इसका पहली बार साल 2018 के अंत में पता चला था, लेकिन अब इसकी औपचारिक रूप से पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमित मरीजों में बुखार, थकान, खांसी, एनोरेक्सिया, मांसपेशियों में दर्द, जी मिचलाना और थकान आदि शामिल है। कुछ मरीजों में बुखार, चिड़चिड़ापन, खांसी, माइग्रेन, मितली, सिरदर्द और उल्टी जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हनीपा वायरस संक्रमित रोगियों में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल की संख्या को कम कर सकता है और ये वायरस लीवर और किडनी को भी खराब कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी इस वायरस से किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन ये कितना खतरनाक है इस पर अभी रिसर्च करना बाकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मृत्यु दर 50 और 100% के बीच है, यानी ये वायरस मनुष्यों को संक्रमित करने वाला घातक वायरस है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक इस वायरस की मृत्यु दर 40% से 75% होने का अनुमान है। वहीं सीरोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2% बकरियों और 5% कुत्तों में लैंग्या वायरस की पुष्टि हो चुकी है। T20 रैंकिंग में सूर्या का जलवा जारी। 28 अगस्त को होगी सूर्या बाबर की जंग। पंत और श्रेयस को भी हुआ फायदा। ICC ने हाल ही में T20I बैट्समैन की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की चमक जारी है। आपको बता दें कि ICC की T20 बल्लेबाजों की सूची में सूर्य कुमार यादव को अभी कुछ दिन पहले ही दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। बल्लेबाज दूसरा स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे थे, तो अब वहीं सूर्य कुमार यादव इस स्थान को बरकरार रखने में भी कामयाब रहे हैं।
जी हाँ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव को इस सूची में दूसरे स्थान पर जगह मिल चुकी है। लेकिन इस सूची में सूर्य कुमार यादव को रेटिंग अंकों के मामले में काफी नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि जब सूर्य कुमार यादव को ICC की T20 बल्लेबाजों की सूची में दूसरे पायदान पर जगह मिली थी, तब उन्हें 816 रेटिंग अंकों के साथ दूसरा पायदान मिला था। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव के 11 रेटिंग अंक काट लिए गए हैं और उनके पास अब 805 रेटिंग अंक हैं। इस सूची में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पहले पायदान पर हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने आखिरी T20I मुकाबला अप्रैल में खेला था, उसके बाद से ही बल्लेबाज ने एक भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है। बावजूद इसके बाबर आजम पहले स्थान पर बरकरार हैं। सूर्य कुमार यादव के पास बाबर आजम को पीछे छोड़ने का पूरा मौका था, लेकिन रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को पांचवें और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जगह नहीं दी, जिसकी वजह से ICC ने सूर्य कुमार यादव के 11 अंक काट लिए और उन्हें दूसरे पायदान पर बरकरार रखा है। हालांकि 28 अगस्त को जो भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है, उसमें बाबर आजम और सूर्य कुमार यादव के बीच एक अच्छी खासी जंग देखने को मिलेगी। ये जंग T20 अंतर्राष्ट्रीय की सूची में पहले पायदान के बल्लेबाज और दूसरे पायदान के बल्लेबाज के बीच में होगी, जो बाबर आजम और सूर्य कुमार यादव है। वेस्टइंडीज सीरीज से सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही नहीं बल्कि दो भारतीय बल्लेबाजों को भी काफी फायदा हुआ है। वो दो बल्लेबाज ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर हैं। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को पांचवें और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पारी की शुरुआत करने का मौका मिला था। पारी की शुरुआत करते हुए श्रेयस अय्यर ने 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनकी इसी पारी के चलते अब उन्हें ICC की T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों की सूची में 19वां स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा ऋषभ पंत की बात करें तो इस सूची में ऋषभ पंत को 59वां पायदान हासिल हुआ है। ऋषभ पंत ने इस सूची में 7 पायदानों की छलांग लगाई है। हालांकि ऋषभ पंत अभी कई भारतीय बल्लेबाजों से काफी पीछे चल रहे हैं, यहां तक कि ऋषभ पंत टॉप 50 में भी नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज में प्रदर्शन किया है, कहना गलत नहीं होगा कि अगर लगातार इसी तरह से ऋषभ पंत प्रदर्शन करते रहे तो T20 में भी बल्लेबाज टॉप 20 तक का सफर तो आसानी से तय कर ही सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने लगातार T20 में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। साल 2021 से ही सूर्य कुमार यादव भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। लेकिन जिस तरह से वेस्टइंडीज दौरे पर सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन रहा है, इस प्रदर्शन को सूर्य कुमार यादव को बरकरार रखने की जरूरत है। अगर वो इसी फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए तो जल्द ही T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों की सूची में सूर्य कुमार यादव निचले पायदान पर भी आ सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 27 अगस्त से एशिया कप 2022 खेला जाएगा और 11 सितंबर को फाइनल मुकाबला होगा। मुकाबलों की बात करें तो UAE में मुकाबले खेले जाएंगे, जहां दुबई और शारजहां के वेन्यू को सिलेक्ट किया गया, यानी कि वहां पर मुकाबले खेले जाएंगे। पहले एशिया कप श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन श्रीलंका में बिगड़े हालातों के चलते ACC यानी कि एशिया कप काउंसिल ने फैसला लिया, जो कि जयशाह जिसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फैसला लिया कि UAE में इसे शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में अब वहां पर मुकाबले खेले जाएंगे और इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सोमवार रात को BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान किया और टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी हुई तो कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बात करें अगर टीम की तो रोहित शर्मा टीम के कप्तान, साथ ही KL राहुल को टीम की उपकप्तानी दी गई है। इसके अलावा विराट कोहली की भी लंबे समय के बाद वापसी हो रही है। और टीम पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आविश खान टीम में शामिल हैं। इसके अलावा 3 खिलाड़ियों को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है, जिनमें दीपक चाहर, साथ ही अक्षर पटेल और टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर शामिल हैं। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल इस वक्त इंजरी से परेशान हैं, इस वजह से उन्हें आराम दिया गया है और दोनों खिलाड़ी इस वक्त NCA बेंगलोर में रिहैब प्रोसेस से गुजर रहे हैं।
वहीं अब टीम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि फैंस ने पहले ये सवाल खड़ा किया कि मोहम्मद शमी, संजू सैमसन और ईशान किशन को टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा अब जो टीम चुनी गई है उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है फैंस का, और साथ ही दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि जब दुबई जैसी पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है तो भारतीय टीम के स्क्वाड में केवल 3 तेज गेंदबाज शामिल क्यों किए गए हैं, और भारतीय टीम में 4-4 स्पिनर हैं। ऐसे में तेज गेंदबाजों की ज्यादा जरूरत थी और तेज गेंदबाज वहां ज्यादा जाने चाहिए थे। आपको बता दें कि भारत के तमाम मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे। हालांकि शारजहां की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन भारत के ज्यादातर मुकाबले दुबई में होंगे, तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि भुवनेश कुमार, आवेश खान और हर्षदीप सिंह के तौर पर टीम इंडिया में 3 तेज गेंदबाज शामिल हैं, और अब इसी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान भी भारतीय टीम में ज्यादातर स्पिनर खिलाड़ी चुने गए थे, और ऐसे में भारत को पाकिस्तान से भी 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, और टीम इंडिया T20 विश्व कप 2021 में बेहद ही खराब प्रदर्शन के साथ भारत वापस लौटी थी। और ऐसे में अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब तेज गेंदबाजों को दुबई की पिच पर ज्यादा मदद मिलती है तो भारतीय स्क्वाड में 3 तेज गेंदबाज ही क्यों सिलेक्ट किए गए हैं। बहरहाल बात करें अगर IPL 2021 की, तो IPL 2021 UAE में आयोजित कराया गया था, जहां वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज हैं। नजर डालें अन्य गेंदबाजों की तो ट्रेंट बोल्ट, जोस हेजलवुड और एंड्रिक नॉर्के जैसे गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी थी और अपने झंडे गाड़े थे और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल थे। इसके अलावा बात करें अगर भारतीय गेंदबाजों की, तो साल 2021 IPL के दौरान जो कि सितंबर अक्टूबर में खेला गया था, उस दौरान भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा हर्षल पटेल, आवेश खान, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी ने विकेट लिए थे, और ऐसे में भारत का कोई भी स्पिन गेंदबाज 2021 IPL में विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाया था। और अब एशिया कप के दौरान जब 4 स्पिनर भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और भारतीय तेज गेंदबाजों का रिकॉर्ड UAE की पिच पर अच्छा है, तो स्पिन गेंदबाज टीम के अंदर शामिल क्यों किए गए हैं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।